क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स बताने हैं और एग्जांपल्स भी बतानी है. नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स. ज़रूरी नहीं है बच्चों आपको ये छः मेथड्स ही लिखने हैं, आप इनमें से कोई पांच मेंशन कर सकते हो, कोई चार भी चलेंगे. द फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक पेरेंट वो खुद की बॉडी को इलोंगेट करता है एंड दो में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू. तो जब एक पेरेंट बॉडी दो में डिवाइड हो रही है तो उसे बोलेंगे हम बाइनरी फिजन. सो द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फिजन ज़्यादा कॉमन होती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर. इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है वो खुद को इलोंगेट करता है एंड देन डिवाइड हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. खुद को इलोंगेट करने के बाद वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. देन ईच डॉटर सेल डिवाइड करके इंडिपेंडेंट एडल्ट की फॉर्मेशन करता है. सो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट एडल्ट बन जाएगा ये डॉटर सेल से. दिस इज बाइनरी फिजन. सेकेंड इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर फॉर्मेशन मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर, पहले तो बैक्टीरिया में वॉल बनती है, थिक वॉल विच इज नोन एज सिस्ट. इस थिक वॉल को क्या बोलते हैं, सिस्ट. और ऐसे इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये है हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियाई होता है, मतलब न्यूक्लियोइड होता है, और उनके अराउंड साइटोप्लाज्म गैदर्ड होता है. इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एंडोस्पोर्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज नोन एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब एक बॉडी, जैसे कि सपोज ये हमारे पास एडल्ट बॉडी है, सपोज ये 2 to 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, देन ईच फ्रेगमेंट ग्रो करके कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेती है. दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं. दीज यूनिसेल्युलर स्पोर्स, ये देन स्पोरेंजियम ब्रेक होगा, यूनिसेल्युलर स्पोर्स स्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे, डिस्पर्स होके इन्हें जहां भी कोई सूटेबल एटमॉस्फियर मिलेगा ये वहां पर जाके जर्मिनेट होके न्यू बॉडी की फॉर्मेशन कर देते हैं. नेक्स्ट इज बडिंग. बडिंग सबसे ज़्यादा कॉमन होती है ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर. इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक आउटग्रोथ आती है दिस वे. ये आउटग्रोथ खुद का साइज इंक्रीज करेगी बिकॉज ये सारा न्यूट्रिशन पेरेंट बॉडी से ले रही है. स्लोली स्लोली विद टाइम इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा. जब इसकी ग्रोथ फुली हो जाती है देन ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है. डिटैच होने के बाद ये न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देती है. लास्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, हम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स. इन पार्ट्स को यूज़ करके हम न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं. दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. थैंक यू.